वाला आ चुका है, बहुत जोरदार वाला। और ये मैगी आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राज सिंह और आज हम बनाने वाले हैं मैगी। तो मैगी सब लोग घर पे बनाते होंगे और या फिर रेस्टोरेंट में या फिर कैफे में, जहाँ पे भी आप मैगी खाते हो। बट आज मैं आपको जिस जगह पे मैगी खिलाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। और मैं आज आपको दिखाता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास एक स्पीकर है पोर्टेबल और कुछ ग्लासेस हैं और एक ऑनियन है, कुछ दूने हैं जिसमें हम एकदम देसी स्टाइल में आज मैगी खाएंगे। सो ये एक मोगास मैगी है, तो कुछ ही देर में मैगी आने वाली है और जो हम सब साथ में के खाएंगे। सो हमारे पास पानी है, छाछ है जो हम वहाँ पर यूज़ लेंगे। तो मैगी मेरे ख्याल से आ चुकी है। ये कौन सी मैगी? तो यहाँ पर उदयपुर जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर ये ओरिजिनल मैगी मिलती है। बट यहाँ पर गांव में जो गांव की मैगी है वो कुछ मारियो मैगी है। और आई डोंट नो क्या है, बट देख बनने के बाद कैसा लगता है। ओके, सो स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं मैगी बनाने के लिए। अब पता नहीं कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, कब बनेगी। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर मैंने एक मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये मेरा डोर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये दोना उड़ चुका है इनका, राहुल का। तो राहुल, या दोने मत उड़ाओ इसको, एक काम कीजिए, ध्यान से लेके जाओ। ओके, सो बहुत ही ट्रिमेंडियस व्यू है यहाँ पर, आप देख सकते हैं लाइव नहर जा रही है। सो हम आज जो मैगी बनाने वाले हैं, जो मेरे घर के बिहाइंड का जो जगह है वहाँ पर। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैगी बनाने के लिए पूरा पौधे हैं, प्लांट्स हैं, जंगली प्लांट्स बोलते हैं इनको, हमको हटाना पड़ेगा। सो बस इसको हटा के फिर हम आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, बैठने के लिए कुछ बिछाना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से बैठ पाएँ और अच्छे से मैगी खा पाएँ। तो हम ये बिछाएंगे और आप व्यू देख सकते हैं यहाँ पर आके, कितना अच्छा व्यू है। आप ये जो ईंटें रखी हुई है मैंने, इन ईंटों से हम चूल्हा बनाएंगे। तो चूल्हे बनाने का प्रोसेस आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने मैगी बनाने के लिए कुछ देसी जुगाड़ करा है, एक देसी चूल्हा बनाया है, वो मैं आपको बता दूँ। सो देखिए, ये हमने कुछ ईंटों से बनाया है। अब हम इसको जलाने के लिए हमको लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम लकड़ियाँ लेने चाहते हैं। जो ये रफ प्लास्टिक है वो भी यूज़ आ जाएगा। तो प्लास्टिक की जो थैलियाँ वैसे यहाँ पे है नहीं है, क्योंकि मैं पूरा ध्यान रखता हूँ उस चीज़ का। बट कुछ है तो हम उसका यूज़ करके और हम कुछ इको फ्रेंडली, इको सेफ इन प्लास्टिक को जलाकर हम मैगी बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने चूल्हा लगा दिया है। हमारे पास कुछ लकड़ियाँ पड़ी है, कुछ चारा पड़ा है जिससे आग पास लगती है, और हमारा मैगी का पूरा छाछ और मैगी पड़ी हुई है यहाँ पर। सब थोड़ा फावड़ा पड़ा हुआ है, उससे हमने मिट्टी को हटाया और यहाँ पर बैठने के लिए एक अच्छी जगह बनाई। और आप देख सकते हैं कि व्यू कितना प्यारा है यहाँ से। और ये हमारा राहुल है जिसने पूरा मैनेज करा है बहुत अच्छे से। और ये बच्चे लोग बैठे हैं हमारे साथ मैगी के लिए वेट कर रहे हैं, कब बनेगी मैगी, बस मैगी खानी है इनको। सो टपेटा लग चुका है। यही तो मज़ा है इस पे। सो स्टार्ट करते हैं अभी। सो फ्रेंड्स, मैगी लग ऑलमोस्ट इन प्रोसेस है, तो मैगी बनाएंगे। वाला आ चुका है बहुत जोरदार वाला। और ये मैगी आप देख सकते हैं रेडी है। सो फ्रेंड्स, मैगी बन चुकी है, हमें बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।